अभय दुबे अब तक 92 सस्पेंड हो गए हैं और उसमें सारे विपक्षी सांसद हैं और इन पर आरोप है कि ये सरकार जो स्पीकर और सभा राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके साथ जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें जो तय हुआ था वो अनुशासन नहीं मान रहे, तो क्यों ना सस्पेंड किया जाए। गौरव जी, एक देश के बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने स्टोरी की है, 19 से लेकर अब तक 149 बार, इसके पहले ये 150 बार हो गया, सांसदों को सस्पेंड किया गया है। उन्होंने पूरी फेरिस्ट दी है कि वो चाहे प्राइस राइज हो, चाहे वो चाइना का इशू हो, चाहे वो पेगासिस वाला हो, किसी भी मुद्दे पर बात करने का एक ही समाधान मोदी सरकार के पास है, वो है सस्पेंशन। इतनी पराकाष्ठा सस्पेंशन की कर दी कि जो सांसद मौजूद नहीं है, जो तमिलनाडु में था एक एसआर पार्थिवन, उनको भी सस्पेंड कर दिया। इतना भूत सवार है सस्पेंड का, पूरा लोकतंत्र 10 साल से हिंदुस्तान में सस्पेंड कर रखा है मोदी सरकार ने, और सिर्फ लोकतंत्र के में सांसदों को ही सस्पेंड नहीं किया, उसकी मान मर्यादाओं को भी सस्पेंड करके रख दिया, उसके प्रोसीजर को भी पूरा सस्पेंड करके रख दिया। आज पार्लियामेंट में जो देश में एक परंपरा थी कि हम लगभग हर कानून स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के लिए, कानून लाने के पहले जनता का अभिमत लेने के लिए डाले जाते थे कि आप भी अपनी राय दीजिए, वो 10% हो गया घट करके। जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम था, जिस पर देश के सर्वोच्च अदालत ने भी टिप्पणी की है कि वो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का जो सिस्टम था, जो स्टैंडिंग कमिटी को बिल जाया करते थे ताकि गहरी छानबीन कर सके, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि वो भी कोलैप्स हो गया। आज जो कांग्रेस की सरकार के समय 75% जो कानून है वो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए जाया करते थे, उसका प्रतिशत घटके 23% हो गया। अध्यादेश राज स्थापित कर दिया इन्होंने, कानून वानून सदन में नहीं लाते, एवरेज पर इनम 11 अध्यादेश मोदी सरकार लाने लगी। आप देख लीजिए, जमीन को हथियाने का अध्यादेश लेकर आते हैं, कृषि के 3 काले कानूनों का अध्यादेश लेकर आते हैं। नहीं, लेकिन सवाल है, ये अध्यादेश लाए, ये बिल लाए, ये अगर नियमों के मुताबिक ला रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? अगर नियम तोड़ रहे हैं तो सवाल उठेगा ना। सवाल आपके सांसदों पर उठ गए हैं जो नियम तोड़ रहे हैं, जिनको सस्पेंड किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष अब नियम तोड़ने पर उतारू हो गया है। मैं आ रहा हूं अभय दुबे, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप बोलिएगा। अब आप और प्रेम शुक्ला ही हैं, आप और प्रेम शुक्ला ही, आप ही बोलिएगा। लेकिन मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जो अभी आप कह रहे थे ना, मेरे पास भी एक रिपोर्ट है। यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार में सांसदों का सस्पेंशन रेट आप देख लीजिए, यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार में सांसदों के सस्पेंशन रेट में 170% का इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा जुलाई 2022 तक का ही है, यानी मौजूदा शीत सत्र में हुई कार्रवाई का आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। वो अगर शामिल करेंगे तो यह नंबर और बढ़ सकता है। तो सांसदों का सस्पेंशन रेट यूपीए वर्सेज एनडीए में देखें जुलाई 2022 तक तो 170%, लेकिन आज तो ऐतिहासिक दिन हो गया। राज्यसभा में एक दिन में इतने सांसद कभी सस्पेंड नहीं हुए, लोकसभा में 1989 में हुए थे, लेकिन एक सत्र में भी ये नंबर देखें तो बहुत ज्यादा है। इसी बीच देखिए, संसद में सांसदों के सस्पेंशन का इतिहास आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई, 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, 92 सांसद एक सत्र में सस्पेंड कर दिए गए। 89 में देखिए, लोकसभा में 63 सांसद सस्पेंड किए गए थे, 2019 में 45, 2015 में 25, 2014 में 18, 2013 में 12, 2013 में 8, लेकिन 2023 में सबसे बड़ी कार्रवाई, ये जो 92 सांसद हैं इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मिले हुए हैं। आइए आपको राज्यसभा भी दिखाता हूं मैं, राज्यसभा के कितने सांसद सस्पेंड हुए, इतिहास क्या कहता है। इतिहास ये कहता है कि 2000, अगर राज्यसभा की बात करें, 2022 ने, ये थोड़ा इसमें हम चेंज करेंगे, 2000 ये 1989 जहां 23 सांसद राज्यसभा के सस्पेंड किए गए, और उसके बाद धीरे धीरे 2010 तक आते ये 7 हुआ, लेकिन आज 45 सांसद राज्यसभा के आज सस्पेंड किए गए हैं, और 14 दिसंबर को कुल 2023 में 46 राज्यसभा से दोनों मिलाकर 92 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। अब प्रेम शुक्ला, ये देखिए, आप पे ये कह रहे हैं अध्यादेश सरकार हो गए हैं, आपके जो परिणाम अध्यादेश का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। मुझे ये बताइए, क्या ये पहली बार है, क्या बीजेपी के सांसदों ने कभी लोकसभा या राज्यसभा में वेल में आकर नारेबाजी नहीं की, या कभी आपने प्ले कार्ड नहीं दिखाए? एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोगों ने सस्पेंशन की बाहर लगा दी है? देखिए, जब भाजपा के सांसद भी वेल में आए हैं तभी वो निलंबित हुए हैं। प्ले कार्ड के संबंध में जो है, जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, विपक्ष के अन्य भी सांसद थे, उन सब ने स्वीकार किया था कि अगर कोई वेल में आकर प्ले कार्ड दिखाएगा, प्ले कार्ड ले आएगा संसद में, तो अपने आप सस्पेंड माना जाएगा। तो अब अगर जो है विपक्ष गैर जिम्मेदारी पर आमादा हो जाए,
श्रीमान राहुल गांधी जैसा गैर जिम्मेदार अगर किसी विपक्ष का नेता होगा जो 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 कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित कानून को फाड़कर फेंक देगा और असंवैधानिक कृत्य करेगा, तो असंवैधानिकता में जो लिप्त होगा, जो संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं रखेगा, पेगासस का मुद्दा उठाएगा, लेकिन जब उससे कहा जाएगा कि अपना मोबाइल जो है टेस्ट के लिए दे दो तो भाग खड़ा होगा। पता नहीं उसके मोबाइल में चीन से भेजे हुए संदेश थे कि जॉर्ज सोरोस के भेजे हुए संदेश थे, पता नहीं क्या। लेकिन ऐसी स्थितियां क्यों होती हैं कि प्ले कार्ड लेकर आना पड़े, और ऐसे नियम ही क्यों बनते हैं कि प्ले कार्ड दिखाने पर सस्पेंशन हो जाए? फुटबॉल का मैदान थोड़ी ना सर, कि इधर से भी लात पड़ रही, उधर से भी लात पड़ रही। लोकसभा इसका माने आपने इसका मतलब गौरव जी मान रहे हैं कि सारे सांसद जो हैं जो सर्वदलीय बैठक में बैठे थे मूर्ख थे वो। ये गौरव जी को ये समझ में आ रहा है कि जिन सार्वजनिक बैठक में सारे लोगों ने स्वीकार किया था कि प्ले कार्ड, ये तो आप विपक्ष को बताइए, विपक्ष आपकी इस बात को, या तो आप विपक्ष को मूर्ख कह रहे हैं, आप किसको मूर्ख कह रहे हैं सर? विपक्ष आपकी इस बात को सहमत था तो वो प्ले कार्ड क्यों लेकर आ रहा है? आप कह रहे हैं जो लोग उस बैठक में थे वही विरोध कर रहे हैं सर, मैं थोड़ी ना जा रहा हूं। अगर गौरव जी कह रहे हैं कि वो मैदान है, आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया सर, गौरव नहीं कह रहा, देश का विपक्ष कह रहा है। अभी अभी तीन सांसद बोल के गए आपके सामने, नहीं पता थी सर, मैं मैसेज दे रहा हूँ, डोंट शूट द मैसेंजर सर, मैसेज पे बात करते हैं सर। बैठक में, सर्वदलीय बैठक में जो लोग आए थे उन सांसदों को संसदीय प्रणाली का ज्ञान नहीं था, ये गौरव जी का कहना है। मेरा नहीं कोई कहना है, विपक्ष का कहना है, विपक्ष के सांसदों का कहना है, लाइव गवाही आपके सामने दिलवाई मैंने। तीन सांसद बैठ के गए अभी यहीं पर, दो पार्टियों के, बहुत बड़ी पार्टियां हैं। स्वीकारा कि नहीं तो बताइए अवैध दुबे, जब स्वीकारा तो फिर ये रोना रो क्यों? गलत बात, अवैध दुबे बताइए, जब स्वीकारा तो फिर क्यों नहीं मान रहे हैं सर्वदलीय बैठक में स्वीकार की हुई बात? अवैध दुबे ओवर टू यू, बताइए। गौरव जी, प्ले कार्ड लेकर आना बहुत जघन्य अपराध हो गया, मगर स्मोक बम लाख का लेकर आने वालों को अनुमति पत्र देने वाला सांसद से बड़ा पुण्य और परोपकारी कोई नहीं हो गया। अभय दुबे देखिए, अब ये बात आप बहका रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। अभय जी, प्ले कार्ड पर सहमति बनी थी या नहीं बनी थी ये बताइए। गौरव जी, सहमति इस बात पर बनाई जानी चाहिए थी कि देश के गृह मंत्री जी इतनी भयावह घटना के बाद सदन में आकर जवाब तक सर, नहीं देना चाहते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उस बात पे बात होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार का एक तर्क है, सरकार ये कह रही है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्षी सांसदों के साथ सहमति बनी थी कि प्ले कार्ड लेकर वेल में नहीं आएंगे, बनी थी या नहीं बनी थी ये बता दीजिए। इतनी जघन्य और गंभीर घटना हो जाए तो क्या प्रोटेस्ट कैसे करेंगे सांसद? सरकार चाहती नहीं बात करना, आज देश के गृहमंत्री, प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, कभी उत्तर नहीं आएगा, एक शब्द नहीं बोला जी, मैं गलत बात है बिल्कुल, वो देखिए गलत बात, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आप कल्पना कर रहे हैं क्या? कितने डरते हैं कि चीन भारत की सीमा में घुस जाए तो बोलने के लिए तैयार नहीं, देश में महंगाई बढ़ जाए तो डर के मारे प्रधानमंत्री जी बयान देने को तैयार नहीं, मणिपुर पर हिंसा हो रहा है खोलने को तैयार नहीं, देश के गृह मंत्री जी इतना डरते हैं कि सदन में बयान देने को तैयार नहीं, इतने जघन्य अपराध हुआ, स्मोक बम लेकर आ गए, पूरी की पूरी संसद आप ही के शो में था, आप जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि देखिए प्रेम जी अभय जी सुनिए, आप दोनों लोग बड़े बड़े मूर्धन्य प्रवक्ता हैं और लगातार आप टीवी डिबेट्स में आपस में डिबेट करते हैं।